मेरा स्वागत है जी, सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम वीना गोयल, नेविगेटर्स ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं और 26-27 वर्षों से स्टूडेंट्स को निरंतर गाइड कर रहे हैं। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जुलाई इनटेक से पहले पहले आप 7-8 दिनों में, 15 दिनों में कैसे अपना GTE क्लियर कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोफाइल हैं, क्या आपके प्रोफाइल का स्टेटस होना चाहिए, आपका जो बेस्ट स्कोर है वो कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कुल मिलाकर किन प्रोफाइल्स का GT एक हफ्ते या 15 दिनों में क्लियर होगा, हो सकता है, कैसे होगा, इन तमाम पॉइंट्स पर हमको जानकारी शेयर करेंगे मैम वीना गोयल। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ऐसा है कि अच्छा लगता है सुन के कि एक हफ्ते में, 1 वीक में GT क्लियर, दैट्स वेरी गुड। और नेविगेटर कराता है, वीज़ा ऑटो ग्रांट ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नेविगेटर कर रहा है इन चीज़ों में। स्टूडेंट का प्रोफाइल मैटर करता है। स्टूडेंट अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ GT निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी कंट्रीज़ में परसेंटेज 60% लेंगे, 50% लेंगे, ओवरऑल लेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में मेन सब्जेक्ट्स में लेते हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स जो मेन होते हैं इसके मिला के मिनिमम 60% चाहिए। CBSE बोर्ड के चाहिए मेरे को, बोर्ड CBSE हो और 60% 4 सब्जेक्ट्स के ओवरऑल हो। उसमें कोई लैंग्वेज हिंदी पंजाबी या कोई ऐसी लोकल लैंग्वेज काउंट नहीं होगी, खाली जो मेन नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स चाहिए। ज़्यादातर हमें नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इन 4 को हम काउंट करेंगे। इनका ओवरऑल मेरे को 60% चाहिए। IELTS 6.5 बैंड चाहिए, राइट। 23 पास आउट बच्चा या मास्टर्स के लिए जाना है तो आपका 5 ईयर्स का जो है गैप, दैट इज़ नॉट गैप इफ़ यू आर वर्किंग, क्योंकि वर्किंग के आपको एक्सपीरियंस देने होते हैं। तो मास्टर्स के लिए भी हमें यही रिक्वायरमेंट है, 60% एंड 6.5 बैंड। आपकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप लग के आती है, आपने फीस पे करनी है। लिविंग एक्सपेंसेस जस्ट आपको शो करने हैं, $24,500, तो जो कि आपके मेरे ख्याल 14-15-16 लाख के आसपास आएंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको 1 वीक में GT क्लियर करा के देंगे। और ये Level 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो Level 1 यूनिवर्सिटी में वीज़ा चांसेस, मतलब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो वीज़ा आ रहा है वो Level 1 यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे अच्छे कोर्सेज में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्टेज है जी, उस कोर्सेज में जा रहे हैं, Level 1 यूनिवर्सिटी अच्छे कोर्स में जा रहे हैं, IELTS स्कोर अच्छा है, उनका वीज़ा आना ही आना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है वो GT में कर रहा है, उसकी हमारी गारंटी है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आप वो दीजिए, आपका 1 वीक में GT क्लियर करा के देंगे। फाइनेंशियल भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आजकल बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने हमारे से टाई अप कर रखा है, वो बैंक्स का हम आपको आपके साथ टाई अप करा देते हैं स्टूडेंट का, और आप बैंक से जाके विद इन 1 वीक लोन सेंक्शन लेटर ले सकते हैं और उनसे लोन अप्रूव करा सकते हैं, और आपका जो है 1 वीक के अंदर GT क्लियर, आपका वीज़ा आ गया, एंड वीज़ा आ गया नाउ यू कैन ट्रैवल। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल कि आपका IELTS स्कोर एक पर्टिकुलर जो मैंने बताया 6.5, 60% आपके मेन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, यू कैन अप्लाई। आपका जैसे ही GT क्लियर होता है आपको फीस अप्रूवल मिलती है, आपने फीस पे करनी है, COE लेनी है और वीज़ा के लिए फाइल लॉन्च करनी है, दैट्स द टोटल प्रोसेस। देखो स्टूडेंट आएगा, डॉक्यूमेंट समझेगा। मान लीजिए अगर स्टूडेंट ने मेरे को आज डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, फाइनेंशियल, ITR और एकेडमिक, तो उसके ऑफर लेटर के साथ GT तक 1 वीक में मैं सारा काम करा दूंगी। ओके, इतना फास्ट प्रोसेस है, मैं आपको 2 डेज में भी कह सकती हूँ, लेकिन ये 1 वीक हम मैक्सिमम टाइम बोलते हैं। बेहद शुक्रिया। सो बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है मैम वीना गोयल ने। स्क्रीन पे टेलीफोन का नंबर है,
आप इस नंबर के जरिए वीना गोयल मैम से या उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं, पूरी क्लैरिटी हासिल कीजिए। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है आप उसको कीजिए। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से हैं, आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल नेविगेटर्स ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मूव कर सकते हैं। 34 सेक्टर में नेविगेटर्स का ऑफिस है, सिर्फ और सिर्फ 34 सेक्टर के ऑफिस पे ही आप बात करें। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर आप सिर्फ इंडिया में पाथवे के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं जुलाई इनटेक में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो 11 मार्च डेडलाइन है, इस बात का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वीना मैम। थैंक यू।